नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ सलीना, डालते हैं आज की खबरों पर। रतलाम में प्राइवेट कॉलेज के छात्रों द्वारा 40% फीस माफ करने को लेकर कलेक्टर के नाम नामली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों से मांग की गई कि निजी कॉलेजों के प्रबंधन द्वारा पूरी फीस मांगी जा रही है, जिसे लेकर पलकों में काफी चिंता बनी हुई है। एक ओर कोरोना महामारी और दूसरी ओर कोई धंधा चल नहीं रहा है और अब प्राइवेट कॉलेज से फिर मांगी जा रही है, जिससे काफी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज सभी बंद होने के बाद भी अब फीस वसूल रहे, जिससे पालक परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेजों की 40% फीस माफ कर दी जाए तो हमारे लिए भी सहयोग बन जाए, जिसको लेकर ज्ञापन में कीर्तिराज सिंह सोनगरा, निर्मल कुमावत गोपाल सहित अन्य विद्यार्थियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर मांग की गई कि 40% फीस माफ की जाए। एक साल पूरा होने आ गया है, कॉलेज द्वारा पूरी फीस मांगी जा रही है, तो मैं प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन से निवेदन करता हूँ कि कॉलेजों की 40% फीस माफ की जाए, अन्यथा हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि काफी समय हो गया है और विद्यार्थी ऐसे में फीस कहाँ से भरेंगे। विद्यार्थी पालक भी काफी चिंतित है कि ऐसे में फीस मांगी जा रही है कॉलेज द्वारा, लॉकडाउन की वजह से वैसे भी उनका धंधा काफी समय से ठप हो चुका है। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि कॉलेज की 40% फीस माफ करने के ऊपर कोई सख्त निर्णय ले।